दोस्तों मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी लॉ फैकल्टी कैंपस लॉ सेंटर से लॉ की पढ़ाई की है। पढ़ाई पूरी होने के बाद वकालत मेरी फर्स्ट चॉइस थी। ऐसा नहीं है कि मैंने और भी ऑप्शन की तलाश की और वहाँ असफल होने के बाद मैं वकालत में आ गया। ये मेरी पहली चॉइस थी दोस्तों। जब मैं वकालत में आया तो सबसे बड़ी दिक्कत आई कि मैं फर्स्ट जेनरेशन वकील था, ना माता पिता की फैमिली में कोई भी चाचा अंकल मामा वकील नहीं थे। अब सबसे बड़ी दिक्कत आती है दोस्तों कि फैमिली में अगर कोई भी वकील ना हो तो पूरी फैमिली बहुत खुश भी होती है। उनको लगता है कि कोई नए रास्ते पर जा रहा है। ऐसा तो किसी ने नहीं किया, कोई भी वकालत में अब तक नहीं आया हमारी फैमिली से, ये कुछ अजीब काम करने जा रहा है। तो एक लोगों को एक जिज्ञासा होती है, एक उत्साह होता है कि मेरा लड़का या मेरी लड़की कुछ बड़ा करेंगे दोस्तों। लेकिन मैं बता दूं कि वकालत में जब एंट्री होती है तो इसकी संघर्ष गाथा बहुत लंबी हो जाती है। जॉब में आप एंट्री लेते हो तो एक सोशल सिक्योरिटी है, सैलरी है दोस्तों, पेंशन मिलने की सिक्योरिटी है, एक रिटायरमेंट की एज है। अब पढ़ाई नहीं करनी, आप अपने जॉब के रूटीन वर्क को करो और जीवन को एंजॉय करो। वकालत में आते ही सबसे जो बेसिक चीज़ है वो है कोई भी फाइनेंशियल सिक्योरिटी का ना होना। दोस्तों मैंने वकालत तो शुरू की लेकिन संघर्ष कम होने का नाम नहीं ले रहा था और पैसों की दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। लेकिन सबसे अच्छी बात क्या है दोस्तों कि ये एक ऐसा प्रोफेशन है जो आपको मौका देगा, आपको बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगना। अब दुनिया बदल चुकी है, कोर्ट भी बदल चुके हैं, बहस का तरीका बदल चुका है, नॉलेज बदल चुका है, जजेस भी अब यंग हैं, यंग एडवोकेट्स भी आ रहे हैं, वो अच्छी बहस कर रहे हैं। इसका रिजल्ट क्या होता है दोस्तों कि कहीं ना कहीं से मौका मिलेगा। बहुत से कोर्ट में ऐसे वकील ही होते हैं जिनको अपने केस में आर्गुमेंट करने की उतनी ज़्यादा चाहत नहीं होती। वो देखते हैं कि टैलेंटेड शख्स कौन है, उनको वो सारे आर्गुमेंट का बोझ दे देते हैं कि भाई ये तुम देखो, इस पे बहस कर दो आप। इस तरीके से आप अगर अच्छे ऑरेटर हो, आपको बहस करने की आदत है, चीज़ों को तर्क से समझाने की आदत है, तो आप बहुत ही खुश हो जाओगे दोस्तों जब आपने कोई अच्छी बहस कोर्ट में कर दी। यही खुशी थी जो मैंने ली दोस्तों। मुझे कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से कोर्ट में बहस करने की आज़ादी मिली। किसी ने मुझे हायर किया कि आप मेरे मामले में बहस करो। मैंने फुल फोकस होकर उस केस में बहस की और जब वो केस आगे की तरफ बढ़ा, निर्णय तो बाद में उसमें आना था, जब अच्छी बहस हो जाती है उस दिन आप फील करोगे कि आप कोई शेर हो, आपने कोई महान काम किया है। आप अपने को फील करोगे कि आपने इस प्रोफेशन में आकर शायद सबसे अच्छा निर्णय लिया, यानी इस प्रोफेशन को चुनने का डिसीज़न सबसे द बेस्ट डिसीज़न था। ये फीलिंग आएगी दोस्तों अच्छी बहस के बाद। और अगर निर्णय आपके पक्ष में आ गए तो आपकी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं होगा। उस दिन आपको लगेगा कि वकालत से बड़ा तो कुछ है ही नहीं। वकालत एक ऐसा प्रोफेशन है जो दूसरी पार्टी जो मुसीबत में है उनको रिलीफ देने का काम करती है। आज मेरी स्टडी ने, मेरी पढ़ाई ने, मेरे रिसर्च ने आज कुछ रिजल्ट दिया है, मेरे क्लाइंट के फेवर में कुछ चीज़ें आई हैं, ये एक खुशी है दोस्तों। साथ ही साथ मैं बता दूं कि एक टैलेंटेड इंसान, एक समझदार इंसान बहुत समय तक जूनियर नहीं हो सकता। जूनियर का मतलब है किसी के अंडर में रहना, किसी के गाइडेंस में चलना। दोस्तों वकालत के प्रोफेशन में अगर कोई सच में आना चाहता है तो उसमें कोई जूनियर बनने की ख्वाहिश बहुत ज़्यादा नहीं होती है, वो उसकी मजबूरी है। कुछ लोग जो
टैलेंटेड नहीं हैं, वो तो 10 साल 15 साल जूनियर ही बने रह जाएंगे, उनको जूनियर बनने की ही आदत है। लेकिन जो टैलेंटेड है दोस्तों, रियल में वकालत करना चाहता है, वो बहुत समय तक किसी का जूनियर नहीं रह सकता। और कुछ लोग तो बिल्कुल भी जूनियर बनने को ही राजी नहीं होते, वो खुद शुरू से ही इंडिपेंडेंट वकालत की घोषणा कर देते हैं। मैं भी उन्हीं शख्स में हूं दोस्तों, जिसने शुरुआती दौर से ही इंडिपेंडेंट वकालत की घोषणा कर दी। और इसका नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों एस्पेक्ट्स थे दोस्तों। कुछ लोगों ने कहा कि आपकी नॉलेज रुक जाएगी, सीनियर के अंडर में रहने से बहुत चीज़ें सीखने को मिलती हैं, लेकिन मुझे आज तक ये नहीं लगा कि सीनियर के अंडर में बहुत नॉलेज मिल जाती है। दोस्तों, इंडिपेंडेंट वकालत मैंने शुरू से की, छोटी छोटी घटनाएँ ज़रूर हुई, जब किसी ने ऑफ़र दिया या किसी से बात हुई तो उन्होंने बोला आप आ जाओ मेरे साथ जूनियरशिप कर लो, मेरे पास रहो आप। इस तरीके से मैं मुश्किल से 2 से 4 दिन, ये कह लो 2 वीक अधिक से अधिक, किसी के पास मैं गया और फिर मैंने क्विट कर दिया, मैंने छोड़ दिया। उनको बोला कि सर मेरे साथ ये नहीं हो पा रहा, कंटिन्यू मैं नहीं कर पाऊंगा। और कुछ लोगों ने मुझे ही कह दिया कि वी कैनॉट गो टुगेदर, बेटर तो यही है कि आप इंडिपेंडेंट वकालत करो। वो मेरे साथ एडजस्ट नहीं कर पाए। दोस्तों, ये सारी चीज़ें होती रही, ये संघर्ष की पहली प्रक्रिया है जिसमें सबको जाना है, जो फर्स्ट जेनरेशन एडवोकेट हैं। मैं भी इससे गुजर चुका हूँ, इस प्रक्रिया से आगे बढ़ चुका हूँ दोस्तों। अच्छी वकालत करने के लिए क्लाइंट्स और फाइलें, रेगुलर कोर्ट विजिट अगर आप करते हो, आपकी प्रेजेंस कोर्ट में होती है, तो ये बहुत बड़ी दिक्कत नहीं हो सकती। आप सबसे मिलोगे, सबसे आपकी बात होगी, धीरे धीरे आप एडजस्ट कर जाते हो, चीज़ें आपके अनुकूल होती चली जाती हैं। दोस्तों, ये सच है कि वकालत में पैसों की शुरुआती दिक्कत होती है। सर्वाइव तो करना इस प्रोफेशन में मुश्किल नहीं है, चाहे आप बिल्कुल नए वकील ही क्यों ना हो, लेकिन चूंकि आपने एक पढ़ाई की है, अपना लंबा वक्त एजुकेशन में दिया है, तो घर वालों को या फैमिली को कहते हैं कि वकालत के संघर्ष में जो समय चला जाता है दोस्तों, माता पिता को वो खुशी नहीं इंसान दे पाता। जब तक पैसे होते हैं तो पता चला माँ नहीं है, पिता नहीं है, ये एक दुखद आस्पेक्ट है दोस्तों, जिसका शिकार मैं भी हूँ। माँ को कभी वो खुशी नहीं दे सका, जब पैसे हुए, जब नाम हुआ वकालत में, तो माँ नहीं है दोस्तों। आज लगता है काश माँ होती और मैं कहता कि लो माँ, मैंने तो आज ये मुकाम हासिल किया है। दोस्तों, ये एक दुखद आस्पेक्ट है, पिक्चर है वकालत में, कि जब आपके पास पैसा और पोजीशन होता है, नॉलेज से आप स्ट्रांग होते हो, तो शायद आप दूसरों के लिए फिर कुछ कर पाओगे, परिवार के लिए कुछ कर पाओगे। बहुत लंबी जो संघर्ष की प्रक्रिया है वो आपको क्षति पहुंचाती है, आपको अपने फैमिली के लिए कुछ करने नहीं देती, और बाद में तो कुछ करने की इच्छा ही खत्म हो जाती है दोस्तों। ऐसा लगता है कि इंसान एक मशीन हो गया, बस समस्याएं आ रही हैं एक तरफ से और दूसरी तरफ से आप उसके सॉल्यूशन को दे रहे हो। ये है एक सफल वकील के स्थिति में आने की कहानी। और दोस्तों, फिर तो अगर आप मशीन हो गए तो नेचुरली पैसे भी जैसे मशीन में छपते होंगे, वैसे ही पैसे भी फटाफट आने शुरू हो जाते हैं। अब मैं बात करूं कि इस पूरे संघर्ष में इंसान को क्या करना होता है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों कि आप बहस की खुशी को लें, अपने ड्राफ्टिंग की खुशी को लें। आपने अगर अच्छी ड्राफ्टिंग की है, मैं आपको बता दूं,
पूरी की पूरी आपकी ड्राफ्टिंग को जब जजमेंट पास होता है उस पर कॉपी पेस्ट कर दिए जाते हैं। अगर आप कोई अच्छी बेल एप्लीकेशन आपने ड्राफ्ट की है उस पर जब कोई ऑर्डर पास होगा तो आपकी चीज़ों को एज इट इज़ वो ले लेते हैं वहाँ। बहुत इम्पॉर्टेंट है दोस्तों अच्छी ड्राफ्टिंग, जो स्किल है धीरे धीरे आती है, जजमेंट्स की लैंग्वेज को पढ़नी होती है, उनको अपने ड्राफ्ट में आप डालने की कोशिश करें। मैं साथ ही बताऊं कि वकालत जो है एक जुनून है। लोग आज बहुत सारे आप देख रहे हो कि कहते हैं लोग कि मुझे आर्मी में जाना था, अब सिर्फ 4 साल की नौकरी है तो लोग बसों को जला रहे हैं, रेल को जला रहे हैं, विद्रोह कर रहे हैं। आर्मी में जाना भी एक जुनून है और सेवा है, बस कहीं ना कहीं वकालत भी एक जुनून है दोस्तों। और अगर इंसान में जुनून है तो उसे बाकी सारी चीज़ें फीकी लगेंगी। नौकरी नौकरी है, नौकर हो आप वहाँ, नौकरी वर्ड ही बने हैं नौकर से। एक वकील नौकर नहीं है क्योंकि वहाँ नौकरी नहीं है दोस्तों। कानून रूल ऑफ लॉ, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वकील ऑफिसर्स ऑफ द कोर्ट हैं एंड इनको कानून का शासन स्थापित करने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है, ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है दोस्तों। इवन वकीलों के एसोसिएशन या बार काउंसिल, जो स्टेट बार काउंसिल हैं, बार काउंसिल ऑफ इंडिया हैं, किसी भी संस्था को सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इनका कंपेयर दूसरे प्रोफेशन के जो ऑर्गेनाइजेशन है उनसे नहीं किया जा सकता। वकालत एक विद्वता विद्वान वर्ग से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, ये समाज के लिए लड़ने, समाज में कानून व्यवस्था स्थापित करने के लिए ये प्रोफेशन है। ये और किसी दूसरे प्रोफेशन की तरह नहीं है या उनसे इनका कंपेयर नहीं किया जा सकता दोस्तों। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये कुछ इसके साथ जुड़ी हुई बड़ी फिलॉसफी है, इसके दर्शन हैं, बड़ी बातें हैं जो इंसान में एक जज्बा भरती हैं। जैसे आर्मी में जाने के लिए, देश सेवा के लिए जज्बा होता है, वैसे ही वकालत में आने का भी एक जज्बा है दोस्तों। सभी नहीं आ सकते मैं बता दूँ, और साथ ही साथ वकालत का पेशा किसी ऐसे व्यक्ति के लिए भी नहीं है जो बिल्कुल अपने को सुरक्षित करना चाहता है, जो चाहता है कि पढ़ाई का रिजल्ट उसे इमीडिएट मिले, उसे किसी अफसर की तरह बड़ा ओहदा मिले, उसे किसी अफसर की तरह सारी सुख सुविधा मिले, गाड़ियां मिले, क्वार्टर मिले, जो नहीं मिलेंगे दोस्तों वकालत में। शुरुआती दौर में ये एक संघर्ष का प्रोफेशन है, लेकिन इस संघर्ष में जो सबसे बड़ा साथी है वो है आपकी किताबें, आपकी बुक्स, लॉ की किताबें, अलग अलग जानकारियाँ। ये एक इंटरेस्टिंग इशू है दोस्तों, पढ़ना, समय समय पर देखना चीज़ों को, अपडेट्स को, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। दूसरे किसी प्रोफेशन में इतनी पढ़ाई नहीं है। लोग कहते हैं डॉक्टर भी पढ़ते हैं, लोग कहते हैं इंजीनियर भी अपडेट्स पढ़ते हैं, लोग कहते हैं बाकी लोग भी पढ़ते हैं, लेकिन दोस्तों बाकी लोग शौक से पढ़ सकते हैं, बाकी लोग इंटरेस्ट से पढ़ सकते हैं, उनके बेसिक प्रोफेशन को चलाने के लिए बहुत ज़्यादा ना भी पढ़ें तो काम हो सकता है, लेकिन आपके प्रोफेशन में वकालत में आप अगर नहीं पढ़ोगे तो अपने केस को डैमेज कर दोगे, क्लाइंट के इंटरेस्ट को डैमेज कर दोगे, न्याय का जो इंटरेस्ट है वो डैमेज हो जाएगा दोस्तों। हर अगले स्टेप पे आपको पढ़ना है। एक लीगल इशू आ गया, जज ने आपको ऑब्जेक्ट कर दिया, आपको उन चीज़ों को पढ़ के क्लियर करना है। छोटी छोटी चीज़ें सामने आ जाएंगी, आपको क्लियर करना है। कुछ चीज़ें ऐसी ऐसी आ जाती हैं, दूसरी पार्टी के ऑब्जेक्शंस आ जाते हैं, पढ़ना है दोस्तों। ये चीज़ें हैं जो संघर्ष को बढ़ा देती हैं, लेकिन इस संघर्ष में नो डाउट कुछ यूनिक चीज़ है, वो है आप नॉलेज, ज्ञान और संघर्ष
दोनों का मिश्रण हो, ये पहला प्रोफेशन है जो लर्निड विद्वान भी इंसान हो जाता है, कहते हैं लर्निड एडवोकेट। और साथ ही साथ वही वकील, एक वकील को लोग प्रैक्टिकल नज़र से देखते हैं, कभी उसे इस नज़र से नहीं देखा जाता कि एडवोकेट व्यवहारिक ज्ञान में कमज़ोर हो सकता है। ये मानकर समाज चल रहा है कि एडवोकेट प्रैक्टिकल नॉलेज में, व्यवहारिक ज्ञान में बहुत मजबूत है, और प्रैक्टिकल यानी व्यवहारिक जो प्रक्रिया है उसमें एडवोकेट का स्ट्रॉन्ग होल्ड है, मतलब उसकी चलती है। दोस्तों ये कुछ चीज़ें हैं और सतत संघर्ष का रिजल्ट है कि इंसान एक सफल वकील बनता है, सतत संघर्ष का रिजल्ट है कि इंसान फिर वकालत के इस पूरे कहते हैं संघर्ष को फेस कर, इसका सामना करके एक चमकता सितारा भी बनता है। उसे दुनिया देखती है, उसके नॉलेज को सुनती है, उसके स्पीच को सुनती है, उसके बहस को कोर्ट में सुना जाता है, उनको कोर्ट किया जाता है, उनको फिर दूसरे लोग एग्जाम्पल के तौर पे उससे उत्साहित होते हैं, उसको अपनी प्रेरणा बनाते हैं। दोस्तों ये कुछ चीज़ें हैं जो वकालत में मुझे भी आगे बढ़ाती रही हैं, और अब इन चीज़ों को आपके साथ शेयर करना चाहता था ताकि वो लोग जो वकालत को अपना प्रोफेशन बनाना चाहते हैं, इसमें पहले जेनरेशन के तौर पे आ रहे हैं, वो निराश ना हो, उत्साह के साथ, उमंग के साथ बहुत ही अच्छा परफॉर्म करें, अपनी चीज़ों को बेस्ट देने की कोशिश करें, और ये प्रोफेशन उनके लिए बिल्कुल ही एक सही प्रोफेशन है, जो आज़ादी का रास्ता पसंद करते हैं, जो इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं, जो किसी के अधीन नहीं होना चाहते, साथ ही साथ जो लोगों के दुख दर्द में उनके साथ होना चाहते हैं, उनके लिए ये प्रोफेशन है। दोस्तों इस प्रोफेशन की अपनी गरिमा है, तभी कहा जाता है कि वकालत में जो फुल टाइम काम करते हैं वो कोई और काम ना करें, खासकर वैसे काम तो बिल्कुल भी ना करें जो वकालत की गरिमा को कम कर दे या ख़त्म कर दे। दोस्तों मैं फिर मिलूँगा अगली वीडियो में, बाय।